खबर में आप सभी का स्वागत है। संसद सत्र शुरू हो चुका है और इस संसद सत्र से उम्मीद जताई जा रही है कि कई बिल पेश होंगे, जनता से सरोकार रखने वाली कई बातें यहां पर होंगी, इसका सदुपयोग होगा। पिछली बार जिस तरह के हंगामे हुए हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, हालांकि सदन की जो कार्यवाही शुरू होती है, सत्र शुरू होता है, उससे पहले बैठकें करते हैं, अपनी अपनी मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि शांतिपूर्वक इस सत्र को कैसे चलाया जाए। लेकिन इस बार लगता है कि शुरुआत यानी कि पहले दिन से ही हंगामा जिस तरह का हो रहा है वो हंगामा आगे आने वाले सत्र को इसी तरह से गड़बड़ाता रहेगा और इस तरह से जो परेशानी हो रही है लोगों के साथ तो ये धोखा कहा ही जा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एक बार फिर अडानी संसद में गूंज रहे हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस मामले को लेकर बात यहां पर करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा मामला एक विदेशी एजेंसी का है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि एक बार दो बार नहीं, कई बार उन पर आरोप लग चुके हैं और चूंकि अब इस बार भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे हैं इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। खैर, ये किस तरह से गतिरोध खत्म होगा और इस गतिरोध खत्म करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से मिलकर काम कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले अटल जी, आपके पास इसलिए आना जरूरी क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। इस पूरे मामले में चूंकि अब भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला सामने आया है और पहली दूसरी बार नहीं, पिछली कई बार के बाद एक बार फिर ये मामला अडानी को लेकर हंगामा पूरे देश में हो रहा है, क्यों इस पर चर्चा नहीं की जा रही सत्ता पक्ष की तरफ से, ये विपक्ष का सवाल है। ऐसा है कि चर्चाएं उन चीजों पर होनी चाहिए जिससे वास्तव में देश ने तरक्की नहीं की हो। अब ये वाली अडानी वाले मुद्दों पर ये इसलिए चर्चा करते कि इनके पास विषय नहीं है, ये तुष्टीकरण के विषय लाएंगे या अडानी पर, जो कि हमारे खुद के बिजनेसमैन जो डेवलप हुए हैं, आप देखिए ये जो उनपे आरोप लगाया अभी लेटेस्ट में, पहले भी बहुत बार लगाए गए अलग अलग एजेंसीज ने, वो सब शेयर मार्केट के स्पेकुलेशन प्लेयर्स हैं, उन्होंने आरोप लगाया। आप सभी को पता है कि वो किस तरीके से अलग अलग देशों में किस तरीके से स्टॉक मार्केट को क्रैश करके और स्पेकुलेशन से और पैसा कमाते हैं। न्यायालय ने पूरी जांच की, पूरा मौका दिया, जांच हुई, जांच के बाद न्यायालय और किसी को भी किसी तरीके का कोई अडानी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अभी क्या आरोप है, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, कौन कौन से स्टेट है, उड़ीसा जहां हमारी सरकार नहीं है, कहां आरोप है, आप देखिए आरोप लगाने का भी भारत में ये लगा नहीं पा रहे, अब अमेरिका में, आंध्र प्रदेश जहां पहले इनकी सरकार थी उस विषय को लेकर के, तेलंगाना आप देखिए, आप जो आप स्टेट्स देखेंगे, तमिलनाडु, इनके स्टेट्स के अंदर जहां की इन्होंने अडानी को प्रोजेक्ट दिए, आप अगर देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि राजस्थान में पिछले बार अडानी पे आरोप लगा रहे थे लेकिन ऊर्जा क्षेत्र का 60,000 करोड़ का जो टेंडर है वो अडानी को दिया, हिमाचल के अंदर 10,000 करोड़ का टेंडर अडानी को दिया। तो ये केवल बात करने के लिए, यदि आप किसी भी तरीके से इनको तो हंगामा करना है, कहीं पर कोई भी विदेशी एजेंसी भारत पे किसी भी तरीके का आरोप लगाएगी या कोई भी देश के टुकड़ा टुकड़ा गैंग है वो किसी भी मुद्दे को उछालेंगे और उसमें ये लोग सपोर्ट करेंगे, जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति, उसको लेकर के हमारा इनसे हमेशा से, हम कहते हैं देश को जोड़ो, जातियों में, भाषा में, क्षेत्र में बांटो मत, जोड़ोगे तो सेफ रहेंगे, विकास करेंगे, ये गारंटी है, जब हम जुड़ेंगे तो विकास होगा। और भारत का विकास अब रुक भी नहीं सकता है, आपने देखा ना कि इन 10 सालों में भारत की विकास की दौड़ और छलांग विश्व पटल पे बहुत अच्छी है और हम विश्वास के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं। अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बनती है और 5 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी बनती है तो फायदा जनता को होगा, उससे आप ही बताइए उसमें खर्च क्या है। अब हर बात का डिस्कशन, यदि ये डिस्कशन ठीक होता तो आज देखिए क्रैश हुआ मार्केट, नीचे गिरा, आज ही देखिए वापस से अडानी का शेयर हर बहुत तेजी से बढ़ा, क्यों बढ़ रहा है वो, अगर वास्तव में उसमें कुछ तथ्यात्मक होता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आने वाले टाइम पे आपको भी, एक किसी भी कोई भी देश है वो तो इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के वैसे ही बहुत सारे देश हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते,
भारत विश्व पटल पे आ गया है उनको लेकर के ये बहुत सारे हंगामे, ये हंगामे तथ्यात्मक रूप से कुछ पेश करें, तथ्यात्मक। चाइना जाकर के जिस तरह ये एमओयू करके आते हैं, पाकिस्तान में जाकर के बोलते हैं हमें बीजेपी से बना बचाओ या ये करो वो करो, ये हमारा नहीं है। हम देश को एक रखने में विश्वास रखते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो हमारा बिल्कुल कि आप कोई मुद्दे लाओ तो स्पष्ट लाओ। प्रियदर्शी जी से मैं ले लेता हूं उसका जवाब। प्रियदर्शी जी, इनका ये कहना है कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है और इसी वजह से इस मुद्दे को लेकर आए हैं, जिसमें विदेशी एजेंसी है। और एक उदाहरण भी इन्होंने दिया है कि अगर उन दावों में, उन जो भी आरोप उन पर लगे, अगर उनमें किसी तरह की कोई सच्चाई होती तो आज शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद वापस अडानी के जो कंपनी से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो वापस ऊपर नहीं आते, अगर किसी तरह की कोई सच्चाई होती तो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सच पुकार रहा है, सत्य पुकार रहा है, उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुनाई नहीं दे रही है। इससे इनका चाल चरित्र और असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के कह रही है अडानी के शेयर बढ़ गए, गिर गए तो इससे इनको दुख नहीं है, बढ़ रहे हैं तो इनको इनसे खुशी है, यही हम बताना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है। आज आप एक बात बताइए, अमेरिकी प्रतिभूतियां विनिमय आयोग ने आरोप लगाए, कांग्रेस के आरोप नहीं है, 59 पेजेस का हलफनामा पेश हुआ है, उन्होंने बाय नेम आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है गौतम अडानी, सागर अडानी और उनके सीईओ विनीत जैन, इन तीन के ऊपर आरोप लगाए हैं। साथ में ये कहा है कि भारतीय अधिकारी भी हैं जिन्होंने झूठ फैलाकर, भ्रष्टाचार फैलाकर 21,000 करोड़ का घोटाला किया है। कोई 100-200 रुपए का घोटाला नहीं है, आज 21,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। तो क्या कौन से सच्चाई को जगाई करने के लिए सच, एक मिनट आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, सच जाहिर होने के लिए आप आंध्र प्रदेश को। अरे अटल जी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, आपका समय आया, फुल पूरी तरीके से आप पूरे जोश के साथ बोलना, लेकिन आप क्या बचाव क्यों करते हैं? आपकी भूमिका से ही संदिग्ध आपकी पोजीशन में चला गया। महाराज की जनता की आवाज नहीं दे रही क्या? महाराज आप जनता की आवाज सुनो ना, सामने आ रही है ना, उससे आपकी भूमिका संदिग्ध है। आप बार बार कहते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, असली मगरमच्छ तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे। आज आप एक बार बताइए, आप डिफेंसिव रोल में क्यों आ रहे हैं अडानी की तरफ से? अगर सच्चाई है, लोग विपक्ष मांग कर रहा है, आज एक बात सुनाइए, क्यों बनता है? विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं, बाकी अन्य दल मांग कर रहे हैं कि इसमें जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो आपको हर्ज क्या है? अगर आप संदिग्ध भूमिका नहीं है आपकी, आप दोषी नहीं है, तो आपका डर किस चीज का है? आप विश्व गुरु कहलाने वाले भारत राष्ट्र की आज ये देखिए इज्जत दांव पे लगी है आप लोगों के कारण। विदेशों में हिंदुस्तान में आरोप नहीं लगे, अमेरिका में आरोप लगाए जो आपका मित्र राष्ट्र है। सच्चाई को साबित करने का भार ले लेते हैं। अटल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी इस बात का काउंटर करना चाह रहे हैं। अटल जी आपकी इस बात का कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन अटल जी उसके साथ आप पे काउंटर कर ले, फिर मैं आपके पास सवाल के साथ लौटूंगा। जी अटल जी, सर देखिए, केवल इनसे ये पूछिए, जो सेबी की अगर इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन स्टेट्स के नाम बता दीजिए एक बार इनसे। मेरा सवाल यहीं पर जुड़ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, चलिए उन राज्यों की आप बात करें जो विपक्ष के शासित राज्य हैं, अगर उन पर उनके साथ उनके सौदे हैं, और फिर कह रहे हैं उनके साथ सौदे क्यों कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं प्रियदर्शी जी, मैं आ रहा हूं। पर कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी भी एजेंसी, अमेरिका की जो एजेंसी है, अगर वो ये कहती है कि भारतीय अधिकारियों को करीब 2000 करोड़ की रिश्वत दी गई है, तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बार तो इस पर चर्चा होकर इनका मुंह बंद कर देना चाहिए विपक्ष का। सर बेसिकली अगर चर्चा सार्थक तरीके से की जाए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन केवल हंगामे के लिए चर्चा की जाए तो और अटल जी चर्चा हुई नहीं, उससे पहले आपने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया? इतनी सारी कंपनियां हैं, हम किस किस पे, ये रोज किसी ना किसी पर कहीं ना कहीं से आरोप होगा और हम उसकी बहस करेंगे। हम कॉन्क्लूड स्तर पे बहस करना चाहते हैं कि क्या सेबी के ये पॉलिसी नियम में कहीं क्या क्या पॉलिसी गैप है, क्या इश्यू है, किसने आरोप लगाया, वो किस स्तर की कोर्ट है, कितना आरोपों का जवाब हमें देना चाहिए, इंटरनेशनल मापदंडों के हिसाब से
सपोज करिए एक बहुत इंडिया की बहुत ही गांव के अंदर जाकर के एक कोर्ट अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी जो कि वॉशिंगटन में है उसपे कोई भी आरोप लगाए और उसपे एक FIR करे, तो आपको कैसा महसूस होगा और वो उसकी सरकारें क्या जवाब देंगी? क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमें जवाब देना चाहिए? इनको संगठित रहना चाहिए। एक बार कभी संगठन एक संगठित होकर के भाषा का प्रयोग किया ये चाहते, वरना हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। और यदि किसी चीज में भ्रष्टाचार हुआ है तो हम उसके लिए भी बकायदा जो भी जहां भी जांच करानी चाहिए जो भी एजेंसियां है उसमें भी कराने को तैयार है। बट ये कभी एजेंसियों को कोसने लग जाते हैं, ये कहेंगे कि साहब ये भी आपकी, अरे हम क्वात्रिची या यूनियन कार्बाइड वाली कंपनी, आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए जी, आपको ऐसी तकलीफ क्या है जिसके कारण आप डर रहे हो? क्या इशू है, क्या तकलीफ है आपको? आपको ऐसा कौन सा भय सता रहा है जिसके कारण आप सहमत नहीं हो जांच से? उससे पहले आपने कह दिया कि इसके अंदर स्वस्थ यूएस माहौल में नहीं जांच होगी, कभी पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, आरोप लगाने वाले अमेरिका है, हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल है, आप इसको समझ नहीं रहे क्योंकि असलियत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में ये है। हम किसी भी चीज के लिए जवाब देंगे, बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट तैयार है, इसलिए आप बचा रहे तक होनी चाहिए। अब आप इनसे पूछिए सर। भटनागर जी देखिए ये बात तो सही है, देखिए सिर्फ ये इनका सिर्फ इतना सा कहना है और ये बात किसी हद तक आपके पक्ष को मजबूत भी करती है। इनका ये कहना है कि सिर्फ वहां से कोई आरोप आया और उसको लेकर आप पूरा सत्र उसमें चर्चा के लिए कुछ समय चाहते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आप कुछ तथ्यात्मक चीज तो लेकर आइए। देखिए मैं कहता हूं इससे आप ही का ग्राउंड मजबूत होगा, आप अगर अपना पक्ष वहां पर उन कागजात उन सबूतों उन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे सार्थक बहस होगी। इनका ये कहना है कि सिर्फ वहां से कोई खबर आई और उस खबर को लेकर उस पर चर्चा करना, मतलब किसी हद तक ये बात तकनीकी तौर पर सही भी लगती है। तो आपके पास ऐसे क्या तथ्य हैं जिनको लेकर आपको ये पुष्ट लगता है कि उन तथ्यों को आप सामने रखेंगे, उन सबूतों को आप सामने रखेंगे, आपकी जो रिपोर्ट है उनको सामने रखेंगे ताकि उस पर सार्थक बहस हो सके? देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात यह है, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के द्वारा न्यूयॉर्क के द्वारा भारत के एक आम नागरिक के ऊपर भी अगर कोई आरोप लग जाते हैं तो हमारे देश की अस्मिता का सवाल हो जाता है उसको जस्टिफाई करने के लिए। जबकि अडानी जी तो आपने देख लीजिए कि वो उनकी कृपा से सरकारें चल रही हैं। आज ऐसी कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि सच्चाई को जाहिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव रोल अदा करके उस जांच को ही नकार रही। देखो अपना अपना पक्ष रख रहे, मेरा जो सवाल था वो मैं कह रहा हूँ कि आप जब सदन में चर्चा के लिए वक्त चाहते हैं तो आप बिल्कुल किन ठोस चीजों के साथ वहां पर अपनी बात को रखेंगे? आपके पास वो ठोस चीजें तो होनी चाहिए। बिल्कुल इतनी बिल्कुल मैं बिल्कुल 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 ठोस चीजें। सबसे पहली चीज ये कि अमेरिकी विनिमयन आयोग के द्वारा साफ तौर पर इस चीज को आरोपित किया गया, ऐसे दस्तावेजात मौजूद हैं जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर सागर अडानी जी गौतम अडानी जी उनके CEO और भारत के बहुत सारे अधिकारियों के बीच में कम्युनिकेशन ऐसा है जिसके रिकॉर्ड हैं जिसके सबूत हैं जो ये साबित करते हैं जिस आधार पर वो हमको आरोप लगा रहे हैं। आप हमारा नजरिया ये नहीं है कि हम किसी को आरोपित कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम चाहते हैं कि सच्चाई अमेरिका के सामने भी आए भारत की जनता के भी सामने आए। अगर ये इसके ऊपर JPC का गठन कर देंगे चर्चा हो जाएगी तो सच्चाई तो सामने आ जाएगी। आज एक बात बताइए, आज ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने संघीय कानून तोड़ा गया है भारत के द्वारा, तो क्या भारत सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि वो इस संदर्भ के अंदर चर्चा कराए सदन के अंदर? आज विपक्ष मांग कर रहा है तो उसके पास में कोई आधार है ना, तभी तो मांग कर रहा है। आधार ये है कि आज आप देख लीजिए आज भी 59 pages का हलफनामा है जिसके अंदर इन सबके ऊपर जो आरोप है इनों के आपस इनके जो कोड वर्ड है कोड वर्ड में बातचीत हुई है सबके कोड नेम रखे गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सदन के पटल पर आनी चाहिए जनता के सामने, पर ऐसी स्थिति ये लाने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि ये जांच जाएगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी आज इसके अंदर संदिग्ध है, इसके ऊपर भी आरोप लग रहे। तो ये सबसे पहली चीज खुद को बचाना ज्यादा महसूस कर रहे हैं, ये खुद को बचाने का खेल कर रहे हैं। अगर आज ये सच्चे होते तो एक सेकंड में ये मांग कबूल कर लेते, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये खुद को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। और आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी प्रारंभ से ही अंबानी जी को अडानी जी का के एक मित्र के रूप में उभर कर आए, तो आज अगर जब उनके ऊपर आरोप लगे तो इनका दायित्व बन जाता है कि ये सच के साथ खड़े हुए हों, ये भारत के साथ खड़े हुए हों, ये हिंदुस्तान के साथ खड़े हों, परंतु ये देश के साथ नहीं खड़े हुए, ये देश की मर्यादा के साथ में खड़े नहीं हो रहे। ये आज इनको सच जाहिर करने में क्या तकलीफ है? आज आप बताइए, सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए अनुकूल शर्तों के खिलाफ ठेके के लिए रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं, तो आज इनको सच लाने के अंदर क्या दिक्कत है? आज सदन के ऊपर, आज ये अभी इसी स्तर पे जब जांच नहीं हुई है तब तो ये कह रहे हैं कि स्वस्थ माहौल के अंदर चर्चा नहीं होगी। अरे जब चर्चा के लिए आपने अनुमति नहीं दिए, आप बड़े सबसे बड़े दल के बहुमत वाले दल के नेता हैं, आपका जेपीसी का जो अध्यक्ष होगा वो आपकी पार्टी का होगा, सदन में आप बहुमत में हैं, तो आपको सच्चाई का है, आपको सच्चाई से डर का है सामने लाने में? अगर आप सच्चे होंगे तो आप अनुमति दीजिए ना। मैं ले रहा हूं, उनसे जवाब भी ले रहा हूं अटल जी से। अटल जी, मेरा एक सवाल भी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कहीं अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी, ये कहा जाता है। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, जो सारे आरोप लगे उसके बाद, देखिए आप कीनिया में जो सौदे थे अडानी की कंपनी के साथ, उन सौदों को कीनिया की सरकार ने रद्द कर दिया। उन्होंने भी तो कोई आधार देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ, उन्होंने भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातें जो वहां से अमेरिका की तरफ से आई हैं, उन अखबार की सुर्खियों पर ही उन्होंने सौदे रद्द कर दिए, उन्होंने अपने स्तर पर भी किसी तरह की कोई जांच करी होगी। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है, देखिए आंध की बात करें, अब सेबी भी यहां पर जांच के लिए बात वापस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। एक बार पहले खंगाला था, उसके बाद वापस सेबी कुछ जांच कर रही है, सारे जो शेयर्स है उनको खंगाला जा रहा है, कंपनियों को खंगाला जा रहा है। तो जब इतनी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं तो इसमें चर्चा को लेकर मुझे लगता है कि धीरे धीरे आधार ठोस होता जा रहा है। ऐसा है कि आप ऐसे मानिए कि पहली बात, कांग्रेस ने कभी भी भारतीय एजेंसियों को स्वीकार किया है पिछले 10 साल में? अगर सेबी कह देगी कि ये ठीक है या ये कंपनियां बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई नहीं, तो ये सेबी पे आ जाएंगे। ये पहले नहीं है, ये कितनी आपके डिबेट्स में, ये कौन सी एजेंसी पे विश्वास करते हैं? पहले तो मेरे को एक उत्तर चाहिए। दूसरा, ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां ये बात कर रहे हैं? और तीसरा, शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव। किसी भी देश का शेयर मार्केट जो घटना होती है उसकी पूरी एनालिसिस माइक्रो लेवल पे कर लेता है, माइक्रो सेकंड्स में, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने सौदों को प्लस या माइनस करता है। और भारत के पीछे आपको नहीं लगता कि कौन इतनी तेजी से बढ़ने देगा? जिस तेजी से भारत का ग्राफ बढ़ा है आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी एजेंसियां, और जहां तक ये विदेशी कंपनियां या एजेंसियों की बात करते हैं, तो आप बताइए कि हंगर इंडेक्स के अंदर यूक्रेन का नंबर हमसे बहुत ऊपर है, मानेंगे आप? हैप्पी इंडेक्स में ईरान का बहुत ऊपर है, आप देखिए वहां के हालात। तो बात ये है कि किसी भी सार्थक अगर कोई बहस होती है तो हमें कोई इशू नहीं, और एजेंसियां अपनी जांच कर रही है, और यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो एक बार आ तो जाने दीजिए तथ्यों को, एक बार ये बोले तो सही कि ये वाली एजेंसी साहब बहुत सही है, आप इससे जांच करवा दी। जेपीसी वक्फ बोर्ड के अंदर ये जेपीसी को नहीं मानने को तैयार, वक्फ जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट ही रखी थी और कितने हंगामे चालू कर दिए। ये किसको मानते हैं? वो एजेंसी का नाम तो बताएं आप। एक बार मेरे इनसे पूछिए कि भारत की किस एजेंसी को ये ठीक मानते हैं, और जिसको कि उन्होंने कभी विरोध नहीं किया हो, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जेपीसी हो, हर चीज का तो विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करते, तो हम क्या करें? और ये इनका काम, ये एक बात समझिए, अभी भी हमने ये नहीं कहा है कि जांच नहीं होगी, एजेंसियों को ये नहीं छूट दी है कि इनके विरुद्ध कुछ नहीं करे, लेकिन हर बात को, हर छोटी छोटी बातों को बिना तथ्यों के, आज हमें खुद को नहीं पता बहुत सारी चीजें, हम कह रहे हैं कि एजेंसियों से कि लाइए जो भी आरोप लग रहे हैं उसको खंगालिए, और कुछ आते हैं तो आप सदन में लाइए उसको। अब आने से पहले ही क्या जवाब दिया जाए, क्या बोला जाए, इनके साथ हो जाएं हम? आप बताइए क्या करें? भटनागर जी, इनका ये कहना है कि देखिए एजेंसियों को लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड का जो मामला था, वक्फ संपत्तियों का जो मामला था, उसमें भी जेपीसी की जो रिपोर्ट थी उस पर हंगामा हुआ। तो जब आप जेपीसी पर विश्वास नहीं करें तो वापस जेपीसी बुलाने की मांग किस तरह से जायज हो जाती है? भारत की एजेंसियों पर अगर हम, चलिए मान लीजिए अगर चर्चा भी होती है और चर्चा के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है, हम भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे सेबी की बात करें या दूसरी एजेंसियों की बात करें, वो इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी, जांच करेंगी, उसकी फिर रिपोर्ट आएगी, उस पर फिर आपत्ति हो जाएगी। तो इनका ये कहना है कि आप ये तो तय करें कि
क्यों, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसको आप, जिसकी रिपोर्ट को आप सही मानेंगे, तो जेपीसी पर भी किस बात, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि फिर बहस करने का मतलब ही क्या हुआ, सदन में चर्चा का मतलब ही क्या रहा, जब उसके बाद आप किसी परिणाम को मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए, परीक्षा में स्टूडेंट बैठा ही नहीं और इन्होंने ये भी मान लिया कि वो फेल हो गया। क्या बोलते वक्फ बोर्ड वाला इशू अलग, वक्फ बोर्ड वाला इशू अलग है। इन्होंने पहले ही कल्पना कर ली, इन्होंने पहले ही कल्पना कर ली कि बहस चार तक नहीं होगी। और दीजिए, अरे आप मेरी बात सुनिए, आप ये बार बार बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं स्टेट है अटल जी, सरकार ने कौन सी बात, एक बार उनसे जवाब ले दीजिए। बोलिए बोलिए भटनागर जी, बोलिए बोलिए भटनागर जी, बोलिए भटनागर जी। सबसे पहला प्रश्न, बिल्कुल सबसे पहला प्रश्न ये है, दूसरी तथ्यों को दूसरी रिपोर्टों के साथ में इन्वॉल्व करने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह क्लियर करना है कि अगर वो जेपीसी की मांग को ठुकरा रहे हैं तो या वो किस वजह से ना उसको ठुकरा रहे हैं और उसमें उनकी भूमिका क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी भी आरोप के घेरे में है तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि ये खुद को बचाने के लिए ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। आज अगर ये बिल्कुल निष्पक्ष हैं, सही हैं, तो ये इसको अलाउ क्यों नहीं करते हैं जेपीसी की मांग को? और जहां तक जेपीसी की रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वक्फ की जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उस पर हंगामा हुआ। हंगामा कराने वाले कौन लोग हैं? हंगामा कराने वाले भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। आज आप एक बार बताइए, एक किसी रिपोर्ट को दूसरी रिपोर्ट से कंक्लूजन करने से क्या तात्पर्य है? आज आप बताइए, ये विषय अलग है, वो विषय अलग है। आज ये अपना डिफेंसिव रोल क्यों खेल रहे हैं? और दूसरी चीज ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कहते हैं कौन सी एजेंसियों पे इनको विश्वास है, कौन सी विश्वास नहीं है। विश्वास स्थापित करने की जिम्मेदारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार है। आज इस मांग को अगर ये अलाउ करते हैं तो आज ये संदेह के घेरे में जो आ रहे हैं उससे इनको मुक्ति मिलेगी। आज जांच हो जाएगी, जांच के बाद में जो तथ्य है वो तथ्य सामने आ जाएंगे, उससे पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। आज विपक्ष मांग कर रहा है तो विपक्ष की मांग को मानने का इनका अधिकार है, उसमें इनके सदस्य भी होंगे, जेपीसी का अध्यक्ष भी जो बनेगा वो बहुमत वाली सरकार का होगा, फिर इनको किस चीज का डर है? चलिए ठीक है, देखिए समय काफी कम बचा है, ये बात करते हैं आंध्र प्रदेश जी। ठीक है, आपने अपनी बातें काफी पुष्ट तरीके से, सभी ने, दोनों ने आपने अपनी बातें पूरी पुष्ट तरीके से रखी है, लेकिन ये बात सही है। कुछ हद तक मैं भटनागर जी आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ हद तक अटल जी की बात से सहमत हूँ। अटल जी का ये कहना है कि एक बार किसी एजेंसी, अभी तो आरोप लगे हैं वहां पर अमेरिका में, वहां पर वो आरोप, देखिए आरोप लगने से कोई दोषी साबित नहीं होता, ये सभी को मालूम है। आरोप के बाद वहां पर क्या उन पर निर्णय आता है, कोई फैसला आता है, उसके बाद जमीन थोड़ी सी और मजबूत होगी। और इस बीच इनका भी ये कहना सही है कि अगर आरोप लगे हैं तो चूंकि भारतीय अधिकारियों के नाम उसमें के बड़े संख्या में, 2200 करोड़ छोटी राशि नहीं होती, भारतीय अधिकारियों को अगर इसमें घसीटा जा रहा है, उनके नाम का इसमें अगर जिक्र किया जा रहा है, तो भारत की जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होने से बचने के लिए कम से कम किसी स्तर पर, चाहे एक दिन सेशन बुलाया जाए इसको लेकर, स्पेशल जेपीसी बिठाई जाए, कहीं ना कहीं प्रारंभिक तौर पर अगर कोई आरोप लगे हैं तो उनको वहीं पर दबाने के लिए, उनको वहीं पर ठंडा करने के लिए, ताकि मामला आगे दूसरा रूप ना ले। तो इसलिए ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ी देर की चर्चा जरूर की जानी चाहिए। चलिए खैर, अब ये संसद को तय करना है अपनी गरिमा के हिसाब से, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, अगर दोनों सदनों में चर्चा की बात होती है, ये सत्ता पक्ष को तय करना है विपक्ष के साथ मिलकर कि इस पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखना बड़ा रोचक होगा कि फिलहाल ऐसे मुद्दों को लेकर सदन की जो कार्यवाही है वो कब तक स्थगित रहती है। अभी तो ज्यादा देर के लिए स्थगित नहीं है, लेकिन जब वापस सदन चालू होगा तो क्या इसी हंगामे की वजह से उन जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने चुनकर इन सभी सांसदों को सदन में भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, नमस्कार।